हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लोग के पास है बलेनो कार और आप लोग चाहते हैं उस बलेनो कार में हॉट एसी यानी कि गर्म एसी कुछ चालू करें, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि अगर आप लोग को जो सर्दियों का मौसम है और आप लोग को गर्म एसी की ज़रूरत पड़ रही है, आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो गाड़ी की जो केबिन है वो गर्म हो जाए, लेकिन आप लोग जो है अपनी गाड़ी की जो केबिन है उसको कोल्ड कर लेते हैं, यानी कि जो आप लोग की ठंडी यानी कि कोल्ड एसी है उसको आप लोग चालू कर लेते हैं, लेकिन आप लोग अपनी एसी में जो अगर आप लोग की एसी ऑटोमेटिक है उसको आप लोग हॉट मोड में नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग बलेनो कार में जो टॉप मॉडल होता है या कोई भी बलेनो का मॉडल होता है उसमें आप लोग की जो एसी रहती है वो आप लोग की एसी कोल्ड रहती है अगर आप लोग उसको जो है चाहते हैं हॉट मोड को इनेबल करना, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि बलेनो कार में जो हॉट एसी है उसको कैसे चालू किया जाता है, कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि बलेनो कार में आप लोग अपनी हॉट एसी को कैसे चालू कर सकते हैं। पहले फ्रेंड ये देख सकते हैं हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पे, और आप लोग अपनी गाड़ी को पहले स्टार्ट करेंगे तो ये जो बटन है तो यहाँ पे बटन इंजन स्टार्ट, इसको मैं दबा देता हूँ तो हमारी जो गाड़ी है वो तो सभी को पता है इस तरीके से आप लोग की गाड़ी चालू हो जाएगी। तो अब आप लोग आ जाइए यहाँ पे एसी पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा जो फैन है यहाँ पे ये आप लोग देखेंगे, मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ। अभी हमारा जो एसी है वो आप लोग देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है 27 पे सेट है, तो आप लोग जो मैं आप लोग दिखा देता हूँ इसको अगर डाउन करेंगे तो आप लोग का जो एसी है वो कोल्ड होगा, जितना आप लोग माइनस करेंगे तो उतना आप लोग की जो एसी है वो कोल्ड होगा। अब ये जो आप लोग को ऑटो रहता है एसी को आप लोग ऑटो बटन प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं एसी आप लोग की चालू हो जाएगी, ये एसी हमारी यहाँ पे चालू हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी जो केबिन है अभी गर्म है, वो सॉरी ठंडी है, मुझे गर्म करना है तो आप लोग 18 पे ये सेट है तो ये एसी मेरी यहाँ पे चालू होगी। बटन से आप लोग एसी को चालू कर दीजिए, फ़ैन को आप लोग यहाँ पे बढ़ा दीजिए, मैंने 3 पॉइंट करके रखा है, मैं 2.34 कर लेता हूँ। अब ये आप लोग जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट इसको आप लोग गर्म नीचे अगर करेंगे इस तरीके से तो आप लोग की एसी जो है ठंडी होगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है हॉट, मैं इस वाले पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगा तो आप लोग देखेंगे 19, 20, तो ये देख सकते हैं हमारी जो एसी है 23, 24, आप लोग ये बटन है ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए, ये जो यहाँ पे देखेंगे ये रेड है तो इसका मतलब है आप लोग ऊपर साइड में करेंगे तो आपकी केबिन गर्म होगी, तो मैं ऊपर कर देता हूँ। अब ये H1 का ऑप्शन आ गया यहाँ पर सिंबल, तो इसका मतलब है आप लोग की जो रूम है अब इसका जो गाड़ी का केबिन है वो गर्म होगा। अब यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट, अगर आप लोग का इधर साइड में फॉग जमा हो जाता है तो फ्रंट कर दीजिए, तो ऊपर साइड में आप लोग का जो एयर है गर्म गर्म एयर यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये एयर यहाँ से निकलेगी गर्म गर्म। अब एक्सीलेटर थोड़ा सा खींच दीजिए, ये आप लोग के फ्रंट और रियर होते हैं पॉइंट, ये ऑटो होता है, ये ऑटो में ऑटो को सेट करके रखेंगे तो ये केबिन अगर ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, अगर गर्म होगा ज़्यादा तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, उस मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा ऑटो पे करके रखेंगे तो। यहाँ से गर्म एयर निकल रही है, अब यहाँ से एयर निकल रही है बहुत ही फास्ट गर्म गर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने बलेनो कार में जो हॉट मोड है हॉट मोड वो आप लोग इनेबल कर सकते हैं एसी का, और आप लोग अपनी कार की जो केबिन है उसको पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पे गर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस यही थे आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग अपने बलेनो कार में हॉट एसी को कैसे चालू कर सकते हैं और आप लोग अपने बलेनो कार में केबिन को कैसे गर्म कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।